Assalamu alaikum students, today we have third session of revision, chapter number 8, forces and their effects. Students, this is the revision of chapter number 8, third session. In the previous session, we learned about what is force. Yes, you all know that force is a push or pull. Anything which is moving, we can change the speed and the direction of motion by exerting force, or we can stop or change the direction of the thing by exerting force. यानी अगर कोई चीज़ चल रही है तो हम इसको रोक सकते हैं, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो हम इसको पुश करके आगे मूव कर सकते हैं. And then we also learn that forces are natural or they may be made by human body. The example of natural forces are wind, running water, gravity and magnetism. But we can also produce force by human muscles and machinery, like bulldozer, tractor, etc. We also learned that we can measure the force, and the unit of force is Newton. Look at the page number 71. Yes, what is this? This is known as the spring balance, and we can use a spring balance to measure the force. And unit of force is Newton. Then we also learn about the new term, that is the inertia. What is the meaning of inertia? If you put a football or something down, it will stay there unless someone kick or move it. And other example, if something is moving, until it hits something else or friction slow down or stop it. Yani, what is the meaning of inertia? Agar koi cheez kahin rakhi bhi hai ya koi cheez move kar rahi hai to wo us waqt tak stop nahi ho sakti, us waqt tak move nahi kar sakti jab tak ki aap uske upar external force exert na kare. Then page number 72 में वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रिक्शन. वॉट इज फ्रिक्शन? उर्दू में हम कहते हैं मज़ाहमत, रोकने की कोशिश करना. ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं और कोई स्लिपरी चीज़ आ जाए तो आप स्लिप होके गिर सकते हैं, तो इस वक्त हमारे लिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, फिर आपके पास एग्जाम्पल थी टायर की और पेंसिल की, कि टायर में जो डिज़ाइनिंग है या आपके स्लीपर पे जो डिज़ाइनिंग्स होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि उसकी ब्यूटी या उसकी खूबसूरती बढ़ाए, बल्कि इसलिए होता है कि ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करें. हमारे फिंगर के ऊपर जो बारीक बारीक लाइंस हैं, दे हैव अ फ्रिक्शन. आप पेंसिल को ग्रिप कर सकते हैं. सो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. ये हमें बहुत सारी जगहों पर हेल्पफुल है, लेकिन बट In some places it is harmful or the disadvantage for us. ठीक है, और ये disadvantage इस तरह है कि हमारी machinery या हमारे tire जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, हमारी pencil जो है वो छोटी हो जाती है, आपकी machine जो है वो नहीं चल रही होती, आपके जूतों के sole जो है वो ख़राब हो जाते. ठीक है, सो अगर आपकी मशीनरी नहीं चल रही है, अम्मी की स्विंग मशीन नहीं चल रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री से मशीन नहीं चल रही है, या आपके अब्बू की गाड़ी या आपकी साइकिल के कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यस, वी यूज़ लुब्रिकेशन और स्ट्रीम लाइन बॉडी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लुब्रिकेशन? लुब्रिकेशन मीन एडिंग ऑफ ऑयल और ग्रीस. ठीक है ना, साइकिल में आप थोड़ी सी ऑयलिंग कर देते हैं, थोड़ी सी ग्रीस लगा देते हैं, फिर वो आपकी साइकिल अच्छी तरह चलने लगती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग? ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि आपकी जो बॉडी है, किसी भी चीज़ की, गाड़ी है, या मैंने आपको एक फ़िश की डायग्राम बना के दिखाई थी कि फ़िश की बॉडी जो है वो भी स्ट्रीमलाइन होती है, या अगर बर्ड है
तो बर्ड की बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है, इसकी वजह से ये एयर को या वाटर को जो है वो अच्छी तरीके से इसको कट डाउन करते हैं, और कट डाउन करने की वजह से ये रेजिस्टेंस जब कट डाउन होता है तो आपकी गाड़ी हो, कार हो, या बर्ड्स हो, या फिश हो, वो ईजली जो है वो मूव कर सकते हैं। दिस इज़ द रिविजन ऑफ सेशन नंबर 1 and 2। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज़ अ सिंपल मशीन। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपल मशीन? सिंपल मशीन मीन्स इट मेक वर्क ईजियर, आपके काम को आसान कर दे। इस वर्ल्ड में सबसे पहले जो मशीन बनी थी, सबसे पहले जो साइंस इस्तेमाल हुआ था, दैट इज़ अ व्हील। व्हील, पहिया, यस। व्हील के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सी हैवी चीज़ें, बहुत सामान है आपके पास, है ना। हम इसको अगर किसी ठेले के ऊपर रखते हैं, उसके नीचे व्हील लगे हुए, आपकी साइकिल के नीचे व्हील लगे हुए, कार्स के नीचे, ट्रैक्टर के नीचे, ठीक है। तो व्हील की मदद से आप हैवी थिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपल मशीन? सिंपल मशीन मेक वर्क ईजियर। सो व्हील बैरो, या आपके पास ये एक्स की एग्जाम्पल है, दिस ऑल आर द, जिसको हम वेज कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेज? वेज जो है, दिस इज़ द शेप, ये शेप होती है, ठीक है। इस शेप की मदद से आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से कट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, व्हील बैरो के नीचे व्हील है ना, ये आपके वर्क को ईजी करता है। लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाउंड मशीन? यस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाउंड मशीन? पेज 76, यहाँ पे आ जाइए, डू यू रिमेंबर में? अ कंपाउंड मशीन इज अ मशीन इन विच टू और मोर सिंपल मशीन हैव बीन पुट टुगेदर। यानी जब एक से दो चीज़ें आप एक साथ मिक्स करते हैं, जैसे अब व्हील बैरो, व्हील बैरो में आपने व्हील भी इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, आपने उसके अंदर और भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप और मशीनरी आप सोचिए, जैसे आपकी सिलाई मशीन है, दिस आपकी साइकिल है, ठीक है, ग्राइंडर मशीन है, दे ऑल आर कंपाउंड मशीन। टुडे वी विल लर्न अबाउट द लेवर। लेवर इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। पेज नंबर 77, पेज नंबर 77, लेवर। लेवर आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवर? यस, द मीनिंग ऑफ लेवर, लेवर का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, एक कोई रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो, सेंटर में इसको हम पाइवट या फलक्रम कहते हैं, एक साइड पर एफर्ट लगाते हैं, यानी अगर आपने यहाँ से पुश किया तो ये जो चीज़ आप उसको उठाना चाह रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द लोड, ठीक है। तीन इसके आपको वर्ड्स याद करने होंगे, एफर्ट जहाँ पे हम पुश कर रहे हैं, सेंटर पार्ट जहाँ से ये मूव करेगा, दैट इज़ नोन एज द फलक्रम, और पाइवट, आपके पास आपकी बुक में पाइवट लिखा हुआ है, आप इसको फलक्रम भी याद कीजिएगा। एंड जहाँ पे आप वर्क आपका परफॉर्म हो रहा है, यानी कोई चीज़ अगर आप उठा रहे हैं तो लोड, कोई चीज़ कट कर रहे हैं, सीजर की एग्जांपल है, तो वो चीज़ कट रही है, कट तो रही है, लेकिन इसके लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? लोड। जहाँ पे वर्क हो रहा होता है उसको हम कहते हैं लोड, ओके। एफर्ट, फलक्रम, लोड। फलक्रम को पाइवट भी कहेंगे, आपकी बुक में पाइवट है, फलक्रम, एफर्ट एंड लोड। ऑन द बेसिस ऑफ थ्री टर्म्स, इनकी लोकेशन की बुनियाद पर, इनकी लोकेशन पर हम, वी कैन डिवाइड द लिवर इंटू थ्री टाइप्स। लिवर इंटू थ्री टाइप्स, नंबर फर्स्ट टाइप, सेंटर में पाइवट होगा यानी फलक्रम होगा। सेकेंड टाइप, सेंटर पे लोड। थर्ड टाइप, सेंटर पे एफर्ट। सो वी कैन हैव थ्री टाइप ऑफ मशीन। नंबर वन, इन द सेंटर पाइवट, एक साइड पे एफर्ट है, दूसरे साइड पे लोड है। सेकेंड टाइप, लोड सेंटर पे है, एक तरफ एफर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से मूवमेंट हो रही है। थर्ड टाइप, जिसके अंदर एफर्ट सेंटर पे, सेंटर पे आप एफर्ट लगा रहे हैं और मूवमेंट एक साइड पे हो रही है, वर्क दूसरे साइड पे हो रही है। इसकी एग्जाम्पल आपके बुक्स में क्या दी हुई है? जी, नंबर वन,
नंबर वन में एग्जाम्पल है सीजर। सीजर देखे यहाँ पे पाइवट सेंटर पे यानी फलक्रम सेंटर पे है। आप एक तरफ वर्क कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका काम हो रहा है, लोड है। हम लिखते हैं लोड है लेकिन यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। अब आप सीजर को देखिए, यस सेंटर पे पाइवट फलक्रम, यहाँ पे एफर्ट है, आपके फिंगर यहाँ से काम करते हैं और इस जगह पे आपके पेपर जो है वो कट हो जाता है। सेकेंड टाइप एग्जाम्पल है व्हील बैरो, ठीक है। पाइवट आपका जो व्हील है यहाँ से मूवमेंट हो रही है, लोड सेंटर पे है और एफर्ट एक साइड पे। मैंने आपको पेपर में कैसे बना के दिखाया, जी लोड सेंटर पे एक तरफ एफर्ट एक तरफ पाइवट। तो व्हील बैरो में देखिए लोड सेंटर पे एक तरफ एफर्ट और दूसरी तरफ पाइवट। थर्ड एग्जाम्पल आपके पास क्या है, थर्ड एग्जाम्पल इज अ ट्यूजर और फॉरसेप एंड ट्यूजर। यहाँ पे देखिए पाइवट मूवमेंट जो है इस कॉर्नर पे हो रही है, एफर्ट सेंटर पे हम इसको प्रेस करते हैं, कोई चीज़ हमें उठानी है, कोई चीज़ पिक करना है, तो लोड हमारा बिल्कुल कॉर्नर पे, यानी सेंटर पे क्या चीज़ है, एफर्ट। तो मैंने आपको जो थर्ड एग्जाम्पल बताई थी, सेंटर पे एफर्ट एक तरफ पाइवट और दूसरी तरफ लोड। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, थ्री टाइप, नंबर वन पाइवट इन द सेंटर, तो सीजर में हमारे पास पाइवट सेंटर पे, नंबर टू लोड इन द सेंटर, तो व्हील बैरो में लोड आपके पास सेंटर पे, थर्ड टाइप एफर्ट सेंटर पे है, तो ट्यूजर अगर आप देखिए, जी ट्यूजर जो है एफर्ट सेंटर पे, ठीक है। सो वी कैन से दैट देर आर थ्री टाइप ऑफ लेवर, और ये आपको मैं पहले भी पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कॉन्सेप्ट चेक में देखिए, ये सीजर की डायग्राम है और आपने इसको फिल किया था लोड पाइवट एंड एफर्ट, ओके। जिन बच्चों ने नहीं किया उसको कर लें, ओके स्टूडेंट। पेज नंबर 78 पे जो एक्सरसाइज है वो आपको करवा चुकी हूँ, और पेज नंबर 79 पे जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप इसको अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए, और अगर आपने किया हुआ है तो आप इसको प्लीज़ अच्छी तरह लर्न करें। चूज़ द करेक्ट आंसर, जी चूज़ द करेक्ट आंसर में फर्स्ट आंसर विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल फोर्स, करेक्ट आंसर मशीन। नंबर टू फोर्स कैन बी मेजर बाई यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस, विच ऑफ दिस इज अ वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑल ऑफ देम। द फोर्स दैट होल प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल मशीन, व्हील बैरो। मैच द कॉलम हमें करना है, मैच द कॉलम नंबर वन का करेक्ट आंसर बी है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज मास। नंबर टू द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, करेक्ट आंसर इज सी वेट। द फोर्स विच ऑक्यूपाइज द फोर्स विच ऑपोज मोशन और मूवमेंट एंड प्रोड्यूस हीट, करेक्ट आंसर इज डी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। अ पुश और पुल एग्जर्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट एंड अनदर ऑब्जेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ए फोर्स। अब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर वन में आंसर आप लिखेंगे अ फोर्स इज अ पुश और पुल। नंबर टू द इंस्ट्रूमेंट यूज अ मेजर फोर्स इज कॉल्ड अ स्प्रिंग बैलेंस, द यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन, द फोर्स विच स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ऑल मैटर ऑन आवर प्लैनेट एग्जिटेड एन इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन अदर मैटर विच इज कॉल्ड द ग्रेविटी। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर आपके पास है 79, ग्रेविटी ऑलवेज अट्रैक्ट थिंग्स towards each other but it never repel them. Number 7, the measure of the amount of matter in an object is called mass. Weight is the amount of gravitational force, jagah kam hai beta thoda niche karke likh lijiyega, gravitational force exerted by the earth on object on its surface.
Number 9, Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton was a scientist who discovered the force of gravity. And the last one is, friction creates heat which become a problem in machine. And true and false kar le jaldi se. Okay, frictional force stop or slow down moving object? Yes, it is a correct. The unit of force is the kilogram? No, it is wrong. The unit of weight is called the Newton? Wrong. Mass is the distance of an object from the earth? Wrong. False kijiye isko. Number 5, rough surface increase friction? Yes, it is correct. Okay, the last one. An astronaut's body mass on the moon will remain the same as on the earth? Yes, it is correct. Because mass change nahi hota, weight change ho jata. Theek hai na, ye baat hame yaad hai. Okay, student, this is the end of our session. In this session, we learn about forces in action and ये पेपर में भी आपके आएगा, आपके टेस्ट में आएगा. प्लीज़ इसको अच्छी तरह लर्न कीजिए, तमाम क्वेश्चन एंड आंसर. फिर इन दी ब्लैंक्स अगर आपने नहीं किए हैं तो उनको भी याद कीजिए. ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ सेशन. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.